बात करते हैं फिल्म पद्मावत की। फिल्म पद्मावत को लेकर बवाल चरम पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिल्म पद्मावत को लेकर गुड़गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थर चारों तरफ रोड पर बिखरे हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया, और बस को भी आग लगा दिया गया है। सोना रोड की ये तस्वीर, गुड़गांव की सोना रोड की ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिल्म पद्मावत को लेकर बवाल चरम पर है। कड़ी सेना और तमाम ऐसे दल जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसके रिलीज को लेकर सड़कों पर हैं, जो उन्होंने कहा वो अपनी बात पूरी करते हुए, और प्रशासन इन सब से निपटने में नाकाम दिख रही है। सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बस में भी आग लगाई गई है। तो फिल्म पद्मावत को लेकर ये विवाद चरम पर। तो लंबे समय से ये विवाद फिल्म पद्मावत को लेकर बढ़ रहा था, जहां आपको पता है कि पहले इस फिल्म का नाम पद्मावती, जिसे विवाद से बचने के लिए फिल्मकार ने इसका नाम पद्मावत रखा। कोर्ट ने भी इसको लेकर फिल्मकार के अगर बात करें तो फेवर में ही एक तरह से फैसला आया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके विरोध करने वाले लोग पीछे नहीं हटते हुए और फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और कल फिल्म रिलीज होने जा रही है, और उससे पहले ही इस तरह का हंगामा सड़कों पर। हरियाणा रोडवेज बस में आग लगाई गई है, तस्वीरें आपके सामने। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजपूत समाज के लोग, तो विवाद और गहराता हुआ, और ऐसे में बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस फिल्म को रोकने की कोशिश, इसके रिलीज को रोकने की कोशिश की जा रही है।